साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुः नान्यं जाने नैव जाने न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूर्मर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। परमादरणीय संचालक महोदय, भगवत कथारस रसिक रसज्ञ श्रोता वृंद, श्रद्धामयी देवियों, आइए थोड़ी देर के लिए एकाग्र और शांत मन से भगवान के स्वरूप का जो वैशिष्ट्य है उसका जो अगला बिंदु है, ज्ञान परमात्मा में परिपूर्ण है, क्योंकि ऐश्वर्य से समग्र से धर्म से यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्योश्चैव। उनके चार गुणों की चर्चा हुई यत्किंचित। अब आज हम उनका जो ज्ञान है उसका स्वरूप क्या है, यह ज्ञान हमें भी होता तो है, कभी कभी एकाध क्षण के लिए
आता है और आने के बाद फिर वो तिरोहित हो जाता है, रुकता नहीं है। और रुकता इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे हृदय की जो भूमि है वह उतनी शुद्ध और पवित्र नहीं है कि वह ज्ञान को रोक सके। सो ज्ञान का स्वरूप क्या है, सच्चे ज्ञान का स्वरूप क्या है और उससे लाभ क्या होता है? भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के जीवन में वह ज्ञान पूरी तरह से प्रतिष्ठित है और इसके लिए गोस्वामी जी महाराज ने एक शब्द भी लिखा उनके लिए कि राम सहज आनंद निधानु। आनंद उनके जीवन में प्रतिष्ठित हो चुका है जिसका नाम ज्ञान है उसी का नाम आनंद है, उसी का नाम चेतन है, उसी का नाम पूर्ण है। क्योंकि बिना इसके मनुष्य के जीवन में पूर्णता आती नहीं है। इस संसार के सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी आदि शंकराचार्य, उनसे किसी ने पूछा, महाराज ज्ञान का स्वरूप क्या है? वो कहते हैं, किस किस ग्रंथ को पढ़ते रहोगे? मैं आधे श्लोक में बता देता हूं। श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी, जो करोड़ों ग्रंथों में लिखा है उसे मैं आधे श्लोक में बता देता हूं। और वो ये है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, भगवान सत्य हैं और संसार मिथ्या है। जीवो ब्रह्म ही बना परा, जीव ही ब्रह्म है। जीव अलग है और ब्रह्म अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक सिद्धांत स्थापित किया कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य है और संसार मिथ्या है। और श्री रामचरितमानस में भी बड़ी विचित्र बात आती है। माता पार्वती भोलेनाथ भगवान शंकर से प्रश्न करती हैं, प्रभु राम कौन है? और भोलेनाथ राम कथा तो बाद में सुनाते हैं, उसके पहले कुछ थोड़ा सा सुनाते। उसे सुनने के बाद माता पार्वती कहती हैं कि शशिकर सम सुन गिरा तुम्हारी अमिता मोह सरदा तप भारी। महाराज, चंद्रमा की किरणों के समान आपकी शीतल निर्मल वाणी को सुन करके मेरा मोह नष्ट हो गया। और तुम कृपालु सब संशय हरेऊ, आपने मेरा सारा का सारा संदेह मिटा दिया और राम स्वरूप जान मोहि परेऊ। मुझे श्री राम का साक्षात दर्शन हो रहा है। सुखी भयो प्रभु चरण प्रसादा, अभी तो राम जी का जन्म भी नहीं हुआ, थोड़ा सा भगवान शंकर ने सुनाया है। ज्ञान बहुत थोड़ा सा होता है, जैसे काम की बात बहुत थोड़ी सी होती है। अब बेकार की बातें चाहे जितनी करते रहिए। भगवान शंकर कहते हैं, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य है और संसार मिथ्या है। लेकिन वह जो ब्रह्म है, वह जो भगवान है, वह जो परमात्मा है, उनकी सत्यता इतनी पावरफुल है
वो इतने इतने सत्य हैं कि उनकी सत्यता के कारण ये झूठा जगत भी सत्य प्रतीत होता है। झूठे हो सत्य जाहि बिनु जाने, ये कब तक सच प्रतीत होता है? ये तब तक सच प्रतीत होता है जब तक हमने भगवान को नहीं जान लिया है। दृष्टांत दिया जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने, बड़ा प्यारा दृष्टांत है और बड़ा प्रसिद्ध दृष्टांत है। जैसे अंधकार के कारण एक टेढ़ी मेढ़ी रस्सी पड़ी हुई है और अंधेरे में हमने उस रस्सी को देखा तो रस्सी में हमें सर्प का भ्रम हो गया। अब जैसा सर्प होता है उतनी ही मोटी वो रस्सी है, जैसे सर्प टेढ़ा मेढ़ा चलता है वैसे ही वो रस्सी भी पड़ी हुई है। हमें रस्सी में सर्प का भ्रम हो गया और जब सर्प का भ्रम होता है तो सर्प के देखने के बाद जो जो लक्षण प्रकट होते हैं मनुष्य में, जो भय होता है, जो शीघ्रता होती है, दो जो त्वरा होती है और जो जो कुछ होता है वो सब कुछ हो रहा है। अब जरा आप बताइए, वहां पर सर्प पहले था? पहले भी नहीं था। और जब रस्सी में सर्प का भ्रम हो रहा है तब भी सर्प नहीं है, और थोड़ी देर बाद जब कोई प्रकाश लेकर के आ जाएगा और उस प्रकाश में उस हम रस्सी को उस देख लेंगे तब भी सर्प नहीं होगा। ये सर्प कहां से आया? बस यही मूल प्रश्न है। आप कहोगे अंधकार के कारण हमें रस्सी में सर्प का भ्रम हुआ, बस इसी प्रकार अज्ञान के कारण हमें उस परमात्मा में, उस भगवान में इस जगत का आभास हो रहा है। सर्प नहीं था, रस्सी थी। अच्छा, रस्सी भी नहीं होती तो सर्प दिखाई देता? तो सर्प नहीं दिखाई देता क्योंकि आधार की तो आवश्यकता है, बिना आधार के आधे रह ही नहीं सकता, सर्प कहां रहता? जैसे रस्सी थी इसीलिए हमें सर्प का बोध हुआ, इसी प्रकार से भगवान हैं क्योंकि वेद कहता है सर्वम खलु इदम ब्रह्म। एक बात मैं यहां आपसे कह दूं, आप हजार बार इस सत्य को सुन लीजिए लेकिन सुनने के बाद भी इसका जो रहस्य है वो समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? ठीक वैसे ही नहीं आएगा जैसे कोई आपको जीवन भर रसगुल्ले के बारे में बताता रहे, उसका स्वाद ऐसा होता है लेकिन कभी खाने को न मिले तो रसगुल्ले का स्वाद पता चलेगा? इसी तरह से हमारे सामने समस्या ये है कि हम शब्द ज्ञान के द्वारा, हम शब्द बोध के द्वारा उस परम ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं जो अनुभूति का विषय है। जैसे किसी भी वस्तु का स्वाद
अनुभूति का विषय है। जब तक वो वस्तु खाने को ना मिले तब तक आप उसका स्वाद कैसे जानोगे? कोई रास्ता नहीं है। और खाने के बाद भी अगर कोई आपसे पूछे कि रसगुल्ले में, पेड़े में, बर्फी में और जलेबी में कैसा स्वाद होता है, तो यही तो बताओगे कि मीठा होता है। तो सब मीठे होते हैं। हाँ जी, सब मीठे होते हैं, तो फिर तो सब एक ही हैं, चार नाम क्यों हैं? अंतर करके बताइए, आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते। ये तो बड़ी स्थूल वस्तुएं हैं संसार की। अगर हम इनका वर्णन नहीं कर सकते, उस परमात्मा के आनंद का वर्णन कैसे कर सकते हैं? ये तो इंद्रियों के विषय हैं, ये तो विषय हैं। इनसे सूक्ष्म हैं इंद्रियां, इंद्रियों से सूक्ष्म हैं इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता, उनसे सूक्ष्म है मन, और मन से सूक्ष्म है बुद्धि, बुद्धि से सूक्ष्म है प्रकृति, और उससे सूक्ष्म है परमात्मा। इसीलिए बिना अनुभूति के यह ज्ञान समझ में नहीं आता। और जब यह ज्ञान आ जाता है, जैसे ही यह ज्ञान होता है, भोलेनाथ भगवान शंकर कहते हैं पार्वती जी से कि जे ही जाने जग जाय हिराई। इस ज्ञान के हृदय में आते ही मनुष्य जग जाता है। इस पंक्तियों पंक्ति के दो अर्थ हैं और दोनों बड़े विचित्र हैं। जब तक यह ज्ञान हमारे हृदय में नहीं आता, तब तक हम सो रहे हैं, और जैसे ही यह ज्ञान हमारे अंदर आ जाएगा, जिसे सत्य कहते हैं, जिसे वास्तविक ज्ञान कहते हैं, जिसे अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं, जिसे भगवान कहते हैं, जैसे ही वो भगवान हमारे हृदय में प्रकट हो जाएंगे, हम जग जाएंगे। अभी हम उधर से सोए हुए हैं, भगवान की ओर से सोए हुए हैं और संसार की ओर जगे हुए हैं। क्योंकि क्योंकि संसार का पूरा हिसाब किताब हमारे पास है, भगवान का कोई हिसाब किताब हमारे पास नहीं है। या तो हम अपने को धोखा देते हैं या भगवान को धोखा देते हैं। अच्छा, अगर गणित के हिसाब से भी देखा जाए तो 24 घंटे के समय में हम कितने समय भगवान को निरंतर याद रखते हैं? मेरे पास एक बड़ा प्यारा प्रश्न आया है। श्री जगन्नाथ साहू जी ने लिखा है, या नहीं जानता उनका है या किसी और का है, भक्ति कैसे की जाए? मैंने उन्हें लिखा कि सबकी परिस्थितियां अलग अलग हैं, तो सबकी भक्ति का स्वरूप भी अलग अलग हो जाएगा। फिर भी यह प्रश्न बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं किसी दिन इस विषय पर चर्चा करूंगा। आज तो हमें यह बात करनी है कि जय ही जाने, जिस परमात्मा को जानने के बाद हम जग जाते हैं। अभी तो सो रहे हैं, क्योंकि मोह निशा सब सोवनिहारा, आ देखिए सपन अनेक प्रकारा। इस संसार में जगते हुए भी हम सो रहे हैं। क्यों सो रहे हैं? थोड़ी देर के लिए खूब समझ में आ जाता है,
इतना सारा रुपया इकट्ठा करूंगा, फिर इतने सारे मुकदमे जीत लूंगा, इतना सारा सामान खरीद लूंगा, इतने मकान बनवा लूंगा, और इसी बीच में पता नहीं किस दिन मैं यहां से चला जाऊंगा। उस जीवन के अंतिम क्षण में मुझे पता चलेगा मैं तो स्वप्न ही देख रहा था, जीवन भर स्वप्न ही देखता रहा, क्या लेकर के जाऊंगा यहां से। सो जे ही जाने जग जायो हिराई, ये जो संसार है बिल्कुल स्वप्न के जैसा मिथ्या है, जैसे स्वप्न में सब कुछ दिखाई देता है, सारी अनुभूतियां भी होती हैं, सुख भी होता है और दुख भी होता है। अगर ऐसा सपना आवे कि किसी ने मेरा गला काट दिया है तो दुख भी होता है, और लोग चारपाई पर पड़े पड़े कभी कभी तो जोर जोर से रोते हैं। उस दुख से बचाने का उपाय क्या है? जो उपाय स्वप्न के दुख से बचाने का है, वही उपाय जागृत अवस्था के दुख से बचाने का है। स्वप्न काल में जिस समय हम स्वप्न देख रहे हैं, उस समय अब अगर कोई दुखद स्वप्न होता है, उससे बचने का एक ही उपाय है कि ऐसे व्यक्ति को जगा दिया जाए, और जागते ही वह जो रोता हुआ व्यक्ति है वो हंसने लगता है, आपका धन्यवाद करता है, अच्छा किया आपने मुझे जगा दिया, बड़ा दुखद स्वप्न था। संसार की भी यही स्थिति है, हर जीव अपना भाग्य लेकर के आया है, अपना कर्म लेकर के आया है। सो यहां किसी का ज्वाइंट अकाउंट नहीं है। ये जो कभी कभी पंडित लोग बोल देते हैं कि पत्नी को पति का किया हुआ आधा सत्कर्म मिलता है, ये केवल आपका मन भरने भर के लिए है, आपको खुश करने के लिए है। पत्नी सेवा करती है, पति धर्म करता है, और धर्म में उसकी सहयोगिनी है, तो भी जितना उसका हिस्सा है वो उसके खाते में जाएगा, और जितना आपका हिस्सा है वो आपके खाते में जाएगा। यहां कोई ज्वाइंट अकाउंट नहीं होता, सब अकेले आए हैं, और अकेले ही यहां से सबके स्वप्न भी अलग अलग हैं, सबका जीवन भी अलग अलग है। सो जब तक हम उस परमात्मा का दर्शन नहीं करेंगे जो रमते सर्वभूतेषु, ये राम कौन है? यही तो माता जी का प्रश्न था कि राम कवन प्रभु पूछूं तो ही, ये राम कौन है? रमते सर्वभूतेषु, समस्त भूत प्राणियों में जो रमण करते हैं, चेतन में ही नहीं जड़ समुदाय में भी रहते हैं। स्थावरे सुचरे सुचा, किस रूप में रहते हैं? बोले अंतरात्म स्वरूपेण, किसी का अस्तित्व जो है वो किसके कारण से है? हमारा आपका जो अस्तित्व है वो कब तक है और किसके कारण से है? जब तक वो हमारे अंदर है तभी तक है से मेरा मतलब है जब तक वो हमारे अंदर प्रत्यक्ष रूप में है, प्रकट रूप में है। सबकी कलाएं अलग अलग है, मनुष्य में सबसे अधिक कलाएं होती हैं, पशुओं में उनसे कम होती हैं, वृक्षों वनस्पतियों में उनसे भी कम होती हैं, और जो जड़ पदार्थ हैं पूरी तरह से उनसे भी कम होती हैं, लेकिन भगवान वहां भी होते हैं।
विषय करण सुर जीव समेता। विषयों से इंद्रियों में चैतन्य अधिक होता है, इंद्रियों से इंद्रियों के देवता अधिक चेतन होते हैं, उनसे मन में चैतन्य अधिक होता है और मन की तुलना में बुद्धि का चैतन्य श्रेष्ठ होता है। सो सकल एक तेक सचेता। लेकिन इन सब को जो चेतना मिलती है वो किससे मिलती है? बोले सब कर परम प्रकाशक जोई। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधोपति सोई। जो इन सब को प्रकाश देता है वे हैं श्री राम। क्योंकि जगत प्रकाश प्रकाशक राम। वे शरीर में बैठे तो हृदय में हैं, लेकिन सबसे अधिक प्रकाश बुद्धि को दे रहे हैं। क्योंकि बुद्धि में उनके प्रकाश को ग्रहण करने की क्षमता अधिक है, उससे कम मन को मिल रहा है, उससे कम इंद्रियों को मिल रहा है। इंद्रियों में भी कर्मेंद्रियों की तुलना में ज्ञानेंद्रियों को अधिक प्रकाश मिल रहा है। यह जो प्रकाश को ग्रहण करने की क्षमता है, इस क्षमता को बढ़ाना है। इसी के तो उपाय रामचरितमानस में और सत्संग में बताए जाते हैं। इस क्षमता को हम कैसे बढ़ाएं? और यहीं भी अगर मैं एक प्रश्न कर दूं, वह प्रश्न मेरे से अपने से भी है, ऐसा नहीं कि मैं केवल आपसे ही प्रश्न कर रहा हूं। क्या उस क्षमता को बढ़ाने का हम पूरी पूरे मन से और पूरी ईमानदारी से प्रयास करते हैं? अंदर से उत्तर मिलेगा नहीं। क्योंकि प्रयास पूरे मन से नहीं होता, इसलिए फल भी हमें पूरा का पूरा नहीं मिलता। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधोपति सोई। तो भगवान क्या किया जाए कि अंतःकरण का ये जो प्रकाश है ये हमारे अंदर बढ़े। और माता पार्वती ने ये भी पूछा कि भगवान कैसे जाना जाए कि अब हमारी नींद समाप्त तो हो गई है, हमारा स्वप्न देखना समाप्त तो हो गया है। भोलेनाथ कहते हैं कि जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। थर्मामीटर है ये, मैंने कल भी इसकी चर्चा की थी। हम जागृत अवस्था में हैं, अब हमारी नींद टूट गई है, इसे कैसे जाना जाए? बोले वैराग्य के द्वारा। जब हमारा मन विषयों की ओर न जाए, हमारे मन की विषयों की ओर सहज गति है। कितना भी हम रामायण सुने, गीता सुने, भागवत सुने, सब में बताया जाता है विषयों से संयम कीजिए, और हमारी इंद्रियां स्वाभाविक रूप से विषयों की ओर भाग रही हैं। क्योंकि यानिशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृत संयमी। बड़ा प्यारा शब्द दिया है संयमी। संयमी माने
जिसने अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करने का संकल्प लिया है, उस संकल्प को जो तोड़ता नहीं है। हमारी स्थिति तो ऐसी है कि अगर किसी से केवल ये कह दीजिए, अच्छा दूसरी चीजें ठीक है अभी चलने दीजिए, चाय बंद कर दीजिए, वो कहता है अरे महाराज सो कैसे होगा। इसके लिए हमारे मन के पास हजार बहाने हैं। लोग आ जाते हैं तो लोगों के साथ तो जो मनुष्य चाय नहीं छोड़ सकता, रजोगुणी पदार्थ नहीं छोड़ सकता, जिसे डॉक्टर भी बताते हैं तेल खटाई मिर्च मसाला नहीं छोड़ सकता, रजोगुण उसके जीवन से कैसे जाएगा? सतोगुण जीवन में कैसे आएगा? और जब तक सतोगुण नहीं आएगा तब तक वह जो सात्विक वृत्ति है, वह जो सात्विक की बुद्धि है जो हमें कुछ करने के लिए प्रेरित करती है, संकल्प लेने के लिए प्रेरित करती है, वो बुद्धि हमारे अंदर कैसे प्रकट होगी? यानी सा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, संसार के सभी लोगों के लिए जो रात्रि है उस समय वो जागता है। जागता है माने संयम करता है और ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करता है। वो उन समस्त साधनों का आचरण करता है जो मनुष्य के लिए कर्तव्य कर्म बताए गए हैं। सो भगवान शंकर कहते हैं कि जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। श्री भरत जी का जीवन ऐसा ही है। लोगों को ये चरित्र सुनने की बड़ी इच्छा रहती है और बार बार मांग भी करते हैं। मांग करने के बाद, सुनने के बाद, वहां तो लिखा हुआ है कि रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिमी जन बड़ भागी। भाग्यशाली व्यक्ति तो वह है जिसमें जिसने लक्ष्मी के विलास को पूरी तरह से त्याग दिया है। कैसे त्याग दिया है? बोले तजत बमन जिमी, गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर दृष्टांत दिया है। बमन माने जो उल्टी करता है व्यक्ति। भोग तो ऐसे ही है। एक संत कहता है कि जो विषया संतन तजी, जो विषया संतन तजी मूढ़ता ही लपटात। जिन विषयों का संतों ने त्याग कर दिया है, जिन विषयों की ओर वो कभी देखते ही नहीं है, संसार के मूर्ख लोग उन्हीं विषयों में के चक्कर में पड़े रहते। मूढ़ता ही लपटात, अज्यों नर डारत बमन कर स्वान स्वाद सो खात। जैसे मनुष्य उल्टी करता है और जिस उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता फिर, लेकिन कुत्ता बड़े प्रेम से उसी को चाटता है। सो भोगी अगर योगी बनने की चेष्टा करेगा तो रोगी बन जाएगा। भोगी का मन तो भोगों में लगा हुआ है, वो भोगों को छोड़ता नहीं है।
और जो भोगों को छोड़ता नहीं है उसके ऊपर भी भगवान की कृपा है। क्योंकि कृपा करना उनका स्वभाव है भगवान का। लेकिन सच्चे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, ज्ञान की अनुभूति करने के लिए, वह ज्ञान जैसा है, क्योंकि मैंने पहले ही चर्चा किया ज्ञान के दो स्वरूप हैं, एक शब्द ज्ञान होता है, जैसे ब्रह्म के दो स्वरूप होते हैं, एक शब्द ब्रह्म होता है और दूसरा पर ब्रह्म होता है। मनुष्य के जीवन में पहले शब्द ब्रह्म आता है। ये जो सत्र चल रहा है ये शब्द ब्रह्म के प्रकटीकरण का उत्सव है। इसके माध्यम से हमारे जीवन में शब्द ब्रह्म आता है, और जब शब्द ब्रह्म आता है तो वह कानों के माध्यम से अंदर जा करके हमारे अंतःकरण को निर्मल करता है, क्योंकि वही तो भगवान को प्रकट हो। भगवान को कहीं से आना जाना नहीं है, कहीं चले थोड़ी गए हैं जो आएंगे, भगवान तो वही है। माने ज्ञान तो वही है, ज्ञान बाहर से नहीं आता। बाहर से जो आती है वो जानकारी होती है, वो केवल बुद्धि में स्टोर होती है, उसका हृदय से कोई लेना देना नहीं है, उसका सुख से कोई लेना देना नहीं है, उसका आनंद से कोई लेना देना नहीं है। सो बाहर से जो भी जानकारी आती है वो हमारी बुद्धि में अटक जाती है, वही जानकारी वही ज्ञान जब हमारे आचरण में उतरता है, हृदय उसे स्वीकार करता है, वो हमारे हृदय को स्वच्छ करता है, निर्मल करता है, और कुछ नहीं करता। वो भगवान को प्रकट नहीं करता, भगवान वहां स्वयं प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि वो तो वहां हैं, सदा सदा से हैं। उन्हें न कहीं से आना है, क्योंकि वो कहीं गए थोड़ी हैं। इसलिए गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, भय प्रगट कृपाला। भगवान क्यों प्रकट होते हैं? क्योंकि वो अतिशय कृपालु हैं, वे तो केवल अवसर ढूंढ रहे हैं। हमारे जीवन में ऐसा अवसर आवे और यह ज्ञान जिसके आने के बाद हमें अपने जीवन में धन्यता की अनुभूति होती है, कृतकृत्यता की अनुभूति होती है, पूर्णता की अनुभूति होती है, और अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझसे अधिक सुखी इस संसार में कोई नहीं है, ऐसी अनुभूति होती है। ऐसा ज्ञान हमारे जीवन में आवे, भगवान से ऐसी बार बार प्रार्थना करता हूं। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय।